एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप कैसा चाहिए? लैपटॉप अच्छा वाला लैपटॉप चाहिए। अभी अच्छा वाला लैपटॉप होता क्या है? देखिए कुछ क्राइटेरियाज हैं कि लैपटॉप जो है लाइट वेट होना चाहिए, लैपटॉप के अंदर काफी सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफी हाई होनी चाहिए, यानी कि उसकी हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, स्क्रीन साइज हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, वगैरह वगैरह, हमें वो सब चाहिए। और लेटेस्ट फीचर्स चाहिए, जैसे कि बैकलिट लाइट वाला कीबोर्ड हो गया, या फिर उसका जो फ्रंट कैमरा है वो HD हो गया, या फिर जो बैटरी है बैटरी भी हमें अच्छी चाहिए। मतलब कि एक अच्छा लैपटॉप वो है जिसके अंदर सारे के सारे नए नए फीचर्स हों, लेकिन हमें एक लैपटॉप वो वाला भी चाहिए जिसमें सिर्फ फीचर्स ही ना हो बल्कि वो प्राइस में भी थोड़ा सा बजट में हो। तो अगर आपको कोई ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं, काफी अच्छे फीचर्स हैं और प्राइस में भी इकोनॉमिकल है, तो इस वीडियो को देखते रहिए, बिकॉज इस वीडियो में आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ इस HP Elite Book लैपटॉप के बारे में, बिकॉज इसको यूज करते हुए मुझे हो चुके हैं लगभग 8 महीने, और मैंने जो इसमें दिन रात काम किया है अपने ऑफिस का, उसका डिटेल्ड रिव्यू मैं आज इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप के बारे में देना चाहता हूं। तो इस लैपटॉप का लिंक मैंने दे दिया आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस को चेक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से परचेज भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू इस लैपटॉप को परचेज करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाएगा, इसके थ्रू भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी और वीडियोज आप लोगों के लिए बना सकूं। इसको मैं एक कैटेगरी में डालता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ बेस्ट वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप, क्योंकि दोस्तों हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, और एक जब तक एक अच्छा लैपटॉप ना हो, जब तक उसमें वो सारे फीचर्स ना हो, जब तक हम उस पर काम करने में मजा ना आए, तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे? देखिए डेली जो भी एक IT प्रोफेशनल होता है उसको एक अच्छे लैपटॉप की जरूरत होती है, और अगर उसके पास अच्छा लैपटॉप ना हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से बढ़ेगी? यानी वो कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे ही वो सुबह आकर के लैपटॉप का मुंह खोलेगा, और अगर वो लैपटॉप उसे अच्छा नहीं लगता तो उसका काम करने का मन भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? एक अच्छे लैपटॉप का मतलब है कि अच्छा अगर लैपटॉप आपके पास है तो आपका काम में भी मन लगेगा, बिकॉज ओनली योर लैपटॉप इज योर बेस्ट फ्रेंड एट वर्क। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप अगर इसको मनी मेकिंग के लिए यूज करने वाले हैं, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं, फिर बिजनेस करते हैं, तो लैपटॉप में प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, बिकॉज यही आपका साथ देने वाला है आगे आने वाले टाइम में और अभी, और आपका अगर यही एक जरिया है पैसे कमाने का तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, इसमें मुझे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसमें मुझे क्या-क्या अच्छा लगा। तो पहली बात दोस्तों, अगर आप देखेंगे इसका स्क्रीन और इसके जो डायमेंशंस हैं ये का, और इसका जो कलर है, बेसिकली जब मैंने पहली बार इस लैपटॉप को लेकर के आया था तो सबसे पहली बात मुझे जो इंप्रेशन मिला था, मुझे इसका रिजेम्बलेंस काफी हद तक लगता है मैकबुक से, क्योंकि ये बेसिकली इसका जो वेट वगैरह है सब कुछ मेरे ख्याल से मैकबुक प्रो के जैसा ही है, और इसका जो कलर है और डायमेंशंस है वो भी बिल्कुल मैकबुक प्रो की तरह ही है। बेसिकली HP का एलिट बुक मॉडल है, विंडोज लैपटॉप है, लेकिन हाँ आप इसको डायमेंशन वाइज अगर लुक एंड फील के हिसाब से देखेंगे तो ये काफी हद तक मैकबुक प्रो की याद दिलाता है। जैसे ही गाइज ये स्क्रीन निकल के आती है हमारे सामने तो एक काफी अच्छा सा लगता है, बिकॉज इसकी जो स्क्रीन के जो कलर्स है ना वो काफी अच्छे हैं, मतलब कि एक ऐसा लगता है कि यार एक वाकई में आप एक LCD या LED स्क्रीन को देख रहे हो जिसमें कलर्स जो है ना मतलब निकल के आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब स्क्रीन में कुछ, मतलब ऐसा लिक्विड जैसा भी नहीं लग रहा है, कि कई बार मतलब ऐसा लगता है ना हमें स्क्रीन पे देखते हुए कि मतलब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो मतलब ब्लरी सी लगे, तो इसमें काफी मतलब शार्प पिक्सल्स हैं इसके, तो ये मुझे काफी अच्छी बात लगी इस लैपटॉप के बारे में। दूसरी एक अच्छी चीज क्या है इस लैपटॉप के बारे में, कि इजी टू यूज है, आप इसको तुरंत ओपन कीजिए, तुरंत क्लोज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और अच्छी बात इसके बारे में ये है कि जैसे भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है स्क्रीन के ऊपर, तो मतलब इसको चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, जो एक रिफ्लेक्शन आता है ना स्क्रीन का आंखों पे, मतलब वो जो एक मेंटेन होता है कलर, मतलब चाहे मैं इसे ऐसे कर लूँ तब भी मुझे वही स्क्रीन के कलर्स दिखाई देंगे, अगर मैं ऐसे कर लूँ तब भी मुझे वही स्क्रीन के कलर्स दिखाई देंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसको आगे पीछे करने से स्क्रीन के जो आइकन्स हैं उनका कलर ही चेंज हो गया, तो ऐसा इसमें मुझे नहीं लगा। और गाइस काफी प्रोफेशनल लैपटॉप है, मतलब कि जो लोग रोजमर्रे का काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीजों में काम करते हैं, अगर उन्हें ज्यादा ग्राफिक्स वाले काम नहीं करने और बेसिकली डेली ऑफिस का काम करना है तो उसके लिए मैं कहूंगा काफी अच्छा लैपटॉप का चॉइस है। तो इसके अंदर जो है वो विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड है, और इस लैपटॉप के साथ हमें मिलता है HP का ये चार्जर। तो इससे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप इसको प्लग एंड प्ले के थ्रू भी चला सकते हैं, जैसे कि अब मैं चलाने वाला हूं, और उससे भी काफी अच्छा चलता है लैपटॉप, लेकिन हाँ इसमें मेरे को अब
लगने लगा है कि धीरे धीरे, क्योंकि इसको मुझे यूज करते हुए 7-8 महीने हो चुके हैं, तो अब इसकी बैटरी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो बैकअप मतलब जो दिया जाता था, मतलब कि विदाउट अगर हम इसको प्लग इन प्ले के चलाते हैं, तो इसकी बैटरी में हाँ अब मुझे लगता है कि काम करते 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 थोड़ा सा वो जो इसके एफिशिएंसी है वो थोड़ा जो ड्यूरेशन है वो कम हो चुका है। तो गाइस जैसे ही हम इस लैपटॉप को ऑन करते हैं, इसके साथ ही ये बैकलिट कीबोर्ड भी ऑन हो जाता है, जो काफ़ी अच्छी फील देता है। और मैंने इस लैपटॉप के साथ रात में भी काम किया है, जब सारी कमरे की लाइटें बंद होती हैं, और उस समय पे अगर मेरे पास बैकलिट लैपटॉप ना हो, जिसमें बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप ना हो, तो काफ़ी दिक्कत होती है बटन्स को ढूंढने में। ऑल्दो स्क्रीन की लाइट पड़ती है, लेकिन फिर भी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से बटन्स को ढूंढना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें जो बैकलिट कीबोर्ड है, उसकी जो लाइट है, वो बटन्स को काफ़ी मतलब ऐसा भी नहीं है कि रात के समय में बिल्कुल ही ब्राइट दिखती है, लेकिन हाँ काफ़ी आंखों के लिए सूदिंग लाइट है, जिससे आपको आराम से पता चल जाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो अगर कमरे की लाइट बंद भी हो, तो उससे भी आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा, और आप लॉन्ग आवर्स तक अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। अगर मैं वाईफाई की बात करूं, तो लैपटॉप 5G नेटवर्क से भी आराम से कनेक्ट हो जाता है। मेरे पास दो नेटवर्क हैं, एक एयरटेल का नॉर्मल नेटवर्क जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है, एक वाईफाई 5G नेटवर्क होता है। तो 5G लैपटॉप के साथ, 5G नेटवर्क के साथ भी ये लैपटॉप काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छी स्पीड देता है। साथ ही साथ मैं इस लैपटॉप को यूज़ करता हूँ ब्लूटूथ के साथ भी, यानी कि मैं जब कभी भी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, तो मैंने इस लैपटॉप के साथ अपना OnePlus Buds Z भी कनेक्ट किया है, जो कि ईयरपॉड्स आते हैं, जो कि मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक दे दिया है यहाँ ऊपर आई कार्ड में। तो उसको मैंने इसके साथ कनेक्ट करके अपनी काफ़ी मीटिंग्स अटेंड करी हैं, काफ़ी वीडियो सेशंस अटेंड किए हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ब्लूटूथ के साथ भी मैं कम से कम 20-25 मीटर अगर एक रूम से दूसरे रूम में भी जा रहा हूँ, और अगर काफ़ी दूर है, तब भी वहाँ तक भी इसके सिग्नल मेरे उस ब्लूटूथ डिवाइस तक पहुँचे हैं। तो इसका मतलब कि रेंज भी काफ़ी अच्छी है, इसमें वो ब्लूटूथ हेडसेट की भी बात हो सकती है, और मेन लैपटॉप जहाँ से सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी भी इस लैपटॉप के अंदर काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और एक सबसे अच्छी बात कि इस एलीट बुक के अंदर जो इसका फेस कैमरा है, वो मुझे काफ़ी मतलब डिसेंट लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ डिसेंट रिस्पॉन्स है। अगर मैं टीम्स पे कोई मीटिंग कर रहा हूँ, गूगल मीट की कोई मीटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मतलब काफ़ी अच्छा प्रीव्यू देता है ये मेरा, रिसेप्शन साइड पे भी मुझे तो अच्छा खैर दिखाई देता है, ये दूसरों का। तो अब बात करते हैं इसके वेट की, तो वेट इसका काफ़ी मतलब लाइट वेट है, मतलब अगर आप देखो मैं आराम से इसको एक हाथ से उठा पा रहा हूँ, और मुझे ज़्यादा वजन नहीं लग रहा है इस लैपटॉप का। तो यानी पोर्टेबिलिटी के मामले में मैं अगर बताऊँ, तो आराम से ये आपके स्कूल बैग में भी फिट हो जाता है, और इसको आप आराम से कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। बस आपको अपने साथ कैरी करना होगा ये चार्जर, जिसका ये जो चीज़ है ये हल्की सी भारी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी भारी है, लेकिन लैपटॉप का चार्जर है तो आपको पता ही है कि आप कोई सा भी लैपटॉप लेंगे तो उसके साथ ये जो चार्जर है ये थोड़ा सा भारी ही होता है। लेकिन अगर मैं पोर्टेबिलिटी की बात करूं, तो यहाँ पर आपको ये जो लैन पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, और इसके साथ इसमें बिल्ट इन स्पीकर भी है, और यहाँ पर USB 3.0 मिल जाता है, और यहाँ पर आप जो कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो एक कार्ड का स्लॉट यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आपका लगता है चार्जर। तो पोर्टेबिलिटी के मामले में भी अगर मैं कहूँ, जैसे अगर हम एप्पल डिवाइसेस से कंपेयर करें, तो उनके जो लैपटॉप्स होते हैं अब तो उन्होंने ये वाले पोर्ट्स निकालने शुरू कर दिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एप्पल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि मतलब एक ही पोर्ट से आप, जबकि इसमें ऑलरेडी स्पेस होगी, आप लैपटॉप को कितना भी छोटा कर लें, कितना भी पतला कर लें, लेकिन ये तो चीज़ें आपको मैंडेटरी चाहिए, तो ये एक डाउन साइड है मुझे लगता है एप्पल के। जब नए लैपटॉप आ रहे हैं, मैकबुक सीरीज आ रही है, उनमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन पहले वो काफ़ी अच्छा था। बट एनीवेज अभी हम बात कर रहे हैं HP की, अगर आप HP का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में कहूँगा, ये मेरा एक HP का प्रिंटर भी है, इजीली पेयर हो जाता है, आराम से आप इसको आप किसी भी प्रिंटर के साथ बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, बट मैं HP to HP प्रेफर कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें भी फ्लॉलेस प्रिंटिंग होती है। अगर मैं प्रिंट की बात करूँ, प्रिंटिंग और स्कैनिंग दोनों। अब क्योंकि ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, तो इसमें एक चीज़ लैक करती है, और वो है इसकी स्टोरेज, जो कि इसका है डाउन साइड। इसमें अभी मुझे मिली हुई है 237 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस। अगर आप, क्योंकि ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, इसलिए इसमें स्टोरेज का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे इसकी स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए। बट हाँ, अगर इसकी ड्राइव की स्टोरेज कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कम स्टोरेज है। बेसिकली क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, तो SSD स्टोरेज के साथ है, इसलिए इसके जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, और ये लैपटॉप आसानी से हैंग नहीं होता।
जो इसका फ्रंट वेब कैम है वो है 720 पिक्सल्स एचडी वीडियो को कैप्चर करता है। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग देखूं तो 1.58 केजी का ये लैपटॉप। अगर आप इस लैपटॉप को बहुत ही ज्यादा देर तक यूज करते हैं, मतलब कि 4-5 घंटे अगर आप इसको लगातार यूज करते हैं, और अगर आप इसके साथ में प्लग एंड प्ले यूज करते हैं, मतलब कि अगर आप अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा के काफी देर तक अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो ये बॉटम साइड है ये अगर मैं अभी भी टच करके देखूं तो ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है। ऑल दो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो एचपी बताता है कि हाँ ठीक है इससे कोई आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एटलीस्ट कंपनी को कुछ करना चाहिए, बिकॉज यहीं पर आपका सारा मदरबोर्ड होता है, यहीं पर सब कुछ होता है, और इसका फैन सिस्टम यहाँ पर है तो यहाँ से मतलब हीट डिस्चार्ज होती रहती है। यहाँ पे भी ये हीट डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विंडो दी हुई है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये कभी कभार ना बहुत अनईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको लैब पे रख करके अगर इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे काफी मतलब गर्मी आपको महसूस होगी, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टैबलेट वगैरह भी यूज करते हैं तो उसमें बल्कि हीट डिसिपेशन काफी अच्छी होती है, बट आई डोंट नो व्हाई लैपटॉप्स में अभी तक ये चीज सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई। ओवरऑल मैं कहूंगा रेगुलर ऑफिस वर्क के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, अगर आप इसको इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर बहुत ही ज्यादा हैवी ग्राफिक्स का काम अगर आप नहीं कर रहे हैं और रेगुलर इस लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं अपने बिजनेस का या फिर अपने ऑफिस का, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि ये काफी डिसेंट काफी अच्छा ऑफरिंग है जो कि एक एप्पल वाले लैपटॉप जैसी फीलिंग देती है। आपकी क्या राय है इस लैपटॉप के बारे में वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक दे दिया इस लैपटॉप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कीजिएगा। फाइनली सबसे जरूरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी कि लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस ये डिसाइड नहीं करती हैं कि वो लैपटॉप अच्छा है या फिर बुरा है। स्पेसिफिकेशंस हाई हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेक्शन जो आप एज ए ह्यूमन एक लैपटॉप के साथ कर रहे हैं, अगर आपको लैपटॉप को देख करके उस पर काम करते हुए अगर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही ना, तो फिर उस चाहे कितनी भी हाई स्पेसिफिकेशन हो उस लैपटॉप का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब मैं इस लैपटॉप के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे पर्सनली काफी एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसके माउस की रिस्पॉन्सिवनेस है, इसके कीपैड के जो जेस्चर्स हैं, ऊपर से बटन्स हैं, और ऊपर से जो स्क्रीन पे जो रेजोल्यूशन मुझे दिखाई देता है वो काफी मतलब अच्छा लगता है यूज करने में। तो मैं इस लैपटॉप के ऊपर काफी घंटों तक ऑलरेडी काम करता हूँ और काफी टाइम से करता आया हूं, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा अपग्रेड रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप अपने लिए कोई भी वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप अगर आप ढूंढ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से दिखता है इस लैपटॉप का यूजर इंटरफेस, आप खुद ही देखिए और डिसाइड कीजिए। तो चलिए ओपन करते हैं इस लैपटॉप की लिड को और मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इस लैपटॉप के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है बेसिकली एचपी लीडबुक लैपटॉप। क्या है बेसिकली बैकलिट कीबोर्ड है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट जल रही है अभी, क्योंकि रूम में ज़्यादा लाइट है तो इस वजह से आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट अगर आप अंधेरे में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बैकलेट कीबोर्ड है ये, और इसके साथ ही जो टच पैड है यहाँ पर आप जेस्चर्स के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी सिंपल रिफ्रेश किया है इस लैपटॉप को, तो आप डबल टैप कीजिए यहाँ पर, बेसिकली जेस्चर्स कंट्रोल के थ्रू आप इस लैपटॉप के माउस को रन कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली इस लैपटॉप में मेरे को ना जो अडेप्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी वो ये आई थी कि इसके जो बटन्स हैं ना यहाँ ऊपर दिए हुए, तो कई बार हम लोग काम करते हैं एक्सेल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो यूजुअली काफ़ी लैपटॉप्स में ये बटन नीचे की तरफ होता है, बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ये बटन को ऊपर दिया हुआ है, तो अब ऐसे क्लिक करने की आदत डालनी पड़ती है। एक अगर मैं आपको कोई भी सिंपल नोट पैड एप्लीकेशन खोल के अगर आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊँ, तो इस कीबोर्ड से मेरी एक ये छोटी सी शिकायत है कि ये इसको जब हम दबाते हैं ना तो फीलिंग तो काफ़ी अच्छी आती है, मतलब कि काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब जब आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो इंस्टेंट क्लिक हो जाता है और यहाँ पे इंस्टेंटली टाइप करना भी शुरू कर देता है, बट कई बार जब हम टाइप कर रहे होते हैं ना इसकी आवाज़ बहुत तेज आती है। तो आई होप एचपी ये रिजॉल्व कर सके, लेकिन इसकी जो आवाज़ आती है उसी वजह से कई बार मन करता है इसको और ज़ोर से दबाया जाए, और कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो और तेज़ी से दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि इस बटन के उखड़ने के चांसेस काफ़ी होते हैं, और काफ़ी कंप्लेंट्स आती भी हैं लोगों की कि भाई उनके जो कीज़ है वो निकल गया है कुछ, आई डोंट नो मे बी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और समथिंग, बट ये एक छोटा सा है कि अगर इसकी नॉइज़, क्योंकि ये प्लास्टिक लगता है उसकी वजह से कि ये प्लास्टिक लगा हुआ है और हम इसको दबा रहे हैं तो ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तो
अगर ये आवाज़ रिजॉल्व हो सकती तो काफ़ी अच्छी बात है, बट एनीवेज मतलब यूज़ करने में काफ़ी मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह लगता है ये, क्योंकि इसमें वही सेम वैसी ही आवाज़ आती है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन डेस्कटॉप अभी मैंने रखा हुआ है इसको, तो मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ यहाँ। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली ये सेम लैपटॉप है एज टर्म्स ऑफ जो इसका डिज़ाइन है सब कुछ, बट ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं इस लैपटॉप का अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि लेटेस्ट लैपटॉप आया है HP इलीट बुक का, जिसमें आपको 13.3 इंच लैपटॉप की स्क्रीन मिल जाती है, 8th जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर मिल जाता है, 8 GB रैम मिल जाती है, 512 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाती है, विंडोज 10 प्रो इसमें डला हुआ है, और इंटेल के 620 USD ग्राफिक्स हैं, सिल्वर कलर का है ये भी, सिल्वर कलर का ही है बेसिकली। तो इसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इस लैपटॉप को। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये ब्रांड बेसिकली HP का है, स्पेसिफिक यूजेस फॉर प्रोडक्ट, जैसे कि मैं वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप को ही टारगेट कर रहा हूँ, तो आप अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये बिजनेस लैपटॉप की कैटेगरी में आता है, बिजनेस या फिर पर्सनल, तो बेसिकली ऑफिस यूज़ के लिए ही है ये लैपटॉप, गेमिंग वगैरह के लिए नहीं है, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको 13.3 इंच मिल जाता है और 1.27 kg, यानी इससे भी थोड़ा सा लाइट वेट आपको ये लैपटॉप मिलेगा, जो कि ये लेटेस्ट वर्जन है अगर आप इसकी तरफ जाना चाहें तो। तो गाइस कैसा लगा आपको ये लैपटॉप? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और ऑफिस से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ चैनल के ऊपर, तो जरूर देखिए मेरी पुरानी वीडियोस को भी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।